हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनकी जितनी पॉसिबिलिटीज होती थी वो सारी चीजें हम लोगों ने एक एक करके कवर किया था। अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला गाइस। आइए देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है। अगर कोई लाइट किसी मीडियम से आ रही रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन सेम मीडियम में चली जाए तो इस फिनोमेना को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे देखो, लाइट आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद फिर देन रिफ्लेक्ट होकर फिर अगेन उसी मीडियम में चलेगी। इस फिनोमेना को, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो इस फिनोमेना को, इस इवेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए मैं लिख लिख के इसको आपको क्लियर करूं गाइस। आइए हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके गाइस। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे देखिए मैं एक ड्रा कर लिया, एक प्लेन ऐसा ड्रा कर लिया। क्या ड्रा किया? एक प्लेन। ये देखिए गाइस, ऐसा हम लोगों ने एक प्लेन ड्रा कर लिया, छोटा ही बना हुआ। देखिए ऐसा, ये एक प्लेन हम लोगों ने ड्रा किया। मान लीजिए कोई लाइट आ रही, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे देखिए ये इंसिडेंट हुई, इस पे आप क्या ड्रा करोगे? नॉर्मल। क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल। देखिए इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी ऐसे चली जाएगी लाइट, ऐसे चली जाएगी। तो देखिए जो रे आ रही इन्हें बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही इस रे को बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो कमिंग रे है, कमिंग आ रही रे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और इंसिडेंट होने के बाद जो चली जा रही है उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो प्लेन आपने डॉट डॉट करके ड्रा किया है इसे बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल ऑलवेज प्लेन की परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज होगा, ठीक है। अब देखो गाइस, एंगल बिटवीन, देखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलोगे? इंसिडेंट एंगल। आई से भी नोट करेंगे एंड इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे आर से लिखेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे गाइस। इतनी बातें हम लोग समझ गए। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में टू लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं? टू लॉ। फर्स्ट लॉ लिखिए इंसिडेंट रे, क्या लिखोगे? इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर लाई इन सेम प्लेन। देखिए सिंपल सा वर्ड हम लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट लाइन ये बोल दिया गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर लाई इन सेम प्लेन। या इंसिडेंट होते हैं सेम पॉइंट पे, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंसिडेंट रे, यानी देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सबके सब क्या हो रहे हैं? सेम पॉइंट में, सेम प्लेन पे लाई करें। देखो जैसे मान लीजिए लाइट आ रही, ये आई इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जा रही, तो ये क्या होगा? इसी प्लेन में तो लाई कर रहा है लाइट। जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है ऐसे, ये आई पड़ी, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना, तो देखिए इसी प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। या मान लो लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद भी वैसे चली जाएगी, ठीक है। यानी तीन की तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, वो प्लेन में आपको ये डरा किया, देखो इसी प्लेन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड सबके सब क्या हो रहे हैं? एक ही प्लेन में लाई कर। तो फर्स्ट रूल ये बोला गया। एंड सेकेंड रूल में ये बोला गया है कि एंगल इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी सिंपल वर्ड में ये लिख सकते हो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये ऑलवेज होगा। याद रखना इस पॉइंट को, कभी भी पूछा जाता है, बोर्ड में पूछ लेता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, तो क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दीज आर लाइन इन सेम प्लेन, ओके।
एंड एंगल आई और आर ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी, यानी जितना एंगल ये सबटेंड करेगा उतना एंगल ये भी सबटेंड करेगा, राइट। एक चीज मैं साथ में ये भी बताता चलूं, यहां पे एक डेविएशन वर्ड आता है, क्या होता है डेविएशन, यानी अगर कोई लाइन ऐसे जा रही अपने मार्ग से अपने पाथ से अगर डेविएट हो रही हट जा रही उसे बोलते हैं डेविएशन। तो यहां एंगल डेविएशन एंगल हमें पता करना, ये देखो गाइस लाइट का जो इनिशियल डायरेक्शन था, इनिशियल डायरेक्शन ये तो था लाइट का, लाइट का इनिशियल डायरेक्शन ऐसे था, इसको जाना चाहिए था ऐसे सरफेस पर प्लेन पर, प्लेन पढ़ते ही अपने पाथ पे क्या की ये टर्न कर ली ऐसे, देखो जाना चाहिए तो ऐसे लाइट को ऐसे निकल के चला जाना चाहिए था, सरफेस मिलते ही अपने पाथ को क्या की डाइवर्ट की घुमा ली, तो इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलोगे डेविएशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेविएशन, डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे डेल्टा से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बनाऊ और अच्छे से आप समझोगे, देखो मान लो ये सरफेस था ठीक है, ये आई लाइन इंसिडेंट एंगल आपने यहाँ पे ड्रा किया नॉर्मल एंड देन यू रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये आई है और ये आर है, देखो जाना चाहिए था ऐसे बट ये ऐसे चली गई, और आई देखिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, इजिली फाइंड कर सकते बेटा। देखिए यहाँ पे देखो अगर ये आई है तो ये भी आई ही होगा, क्योंकि ये देखिए ये आई तो ये भी आई होगा और ये आर है, ये टोटल होता है 180 कितना होता है, टोटल होता है कितना 180 होता है, तो अगर 180 में से आई प्लस आर सब्ट्रैक्ट करो तो डेविएशन अपन को पता चल जाएगा, यानी अगर हम लोग 180 माइनस आई प्लस आर सब्ट्रैक्ट करो तो डेविएशन पता चलेगा नहीं पता चलेगा, क्लियर में बोलो आप, देखो मेरी बात सुनो, ये आई है ये आर है और ये देखो ये आपने क्या ड्रा कर रखा नॉर्मल ड्रा कर, अगर स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये कितना बनेगा 180 बनेगा, श्योर है 180 बनेगा गाइस, ये आई है तो ये कितना होगा आई होगा, और हमें इतना ही तो एंगल चाहिए अपन को, इतना ही एंगल चाहिए, तो अगर मैं ये टोटल होता 180 में से आर को सब्ट्रैक्ट कर लूं और ये जो आई है आई को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, और ये भी हम लोगों ने देखा कि आई और आर क्या होते हैं, आर में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 180 माइनस 2i लिखो या 180 माइनस 2r लिखो, बोथ आर करेक्ट, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, तो कभी कभी डेविएशन भी पूछा जाएगा ठीक है, तो डेविएशन आप 180 माइनस 2r या 2i हमेशा याद रखो, कभी भी ये बनेगा ठीक है। एक और बात ये पूछी जाती है कि जो ये प्लेन है ये सरफेस है, इनकी सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उन्हें ग्लेसिंग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्लेसिंग एंगल, ये यहाँ पे लिख लेना ग्लेसिंग एंगल ठीक है, ग्लेसिंग एंगल कभी कभी पूछ लेता नहीं अदरवाइज पूछता ही नहीं है, जैसे हमें पता नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच बना जो एंगल है उन्हें इंसिडेंट एंगल बोला, तो अगर ऐसा पूछ लिया उससे कि इंसिडेंट रे एंड सरफेस के बीच जो एंगल बना उसे क्या बोलते तो ग्लेसिंग एंगल बोलोगे, क्या बोलोगे ग्लेसिंग एंगल, आप लिख लेना ग्लेसिंग एंगल, ग्लेसिंग एंगल की बात करें तो देखो ये टोटल होता है 90, आई सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 90 माइनस आई या 90 माइनस आर, बीटा से मान लो मैंने लिख लिया तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस आई ग्लेसिंग एंगल, ये बात क्लियर हो गई। क्या हम लोगों ने सीखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट के रिफ्लेक्ट के लिए सारी चीजें ये हम लोगों ने नोट कर ले, ये पॉइंट आप याद रखना, आगे देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है वहां पे काफी अच्छी सीखने को आपको मौका मिलेगा। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है, अगर कोई लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन सेम मीडियम में चली जा रही है तो इस फिनोमेना को बोलते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हम लोग को सीखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आइए देखिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हिंदी में क्या बोलते हो परावर्तन, कि अपवर्तन बोलते हो अपवर्तन बोलते हो अपवर्तन ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे दो चीज आपको समझना पड़ेगा कि मीडियम जो होता है मीडियम टू टाइप के होता है, पहले मीडियम मैं आपको सिखाऊं, मीडियम मीडियम टू टाइप के होगा बेटा, कहाँ पे मीडियम टू टाइप के होता है, एक रेरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा, डेंसर का मतलब होगा यानी लाइट की जो स्पीड होगा इज फास्टर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, स्पीड ऑफ
लाइट इज फास्टर, यानी इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा कभी तेज चलेगी, वही जो चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसी से चलेगी। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? लेस होगा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, लेस होगा। आप खुद ही देखो भैया, जैसे सपोज करिए हाईवे है, हाईवे खाली है, तो आप 80-90 की स्पीड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्राउड एरिया है, क्राउड रोड है, तो क्या 80 चल सकते? नहीं चल सकते। सेम बात ये होता है, जैसे लाइक ईयर से ग्लास में चल गई, तो ग्लास में चलने के लिए उसको डेंस और मीडियम ना पार्ट के पास पास होगा, चलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपने क्या करती है, अपनी स्पीड को ही रिड्यूस करना उसके लिए मजबूरी पड़ जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो, मान लीजिए ये आपका एक ये मीडियम फास्ट है, क्या मान लिया मैंने, मीडियम फास्ट एंड ये मीडियम सेकेंड मान लिया, ठीक है। इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है μ1 है, एंड इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब आइए बात है आपस में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है? अभी अभी हम लोग तो नए सीखने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होती है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, देना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आइए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गाइस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू से कहीं भी लिखा जाएगा या एन से भी लिख सकते हो। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू और एन से ये डिफाइन किया गया बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्यूम, क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर और वेक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो तो हमने सिंपल से लिखा कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। अब यहाँ पे देखो म्यू इक्वल टू ये लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर कितना होता है, सी के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है भैया, लाइक ईयर से आकर के ग्लास में जा रही, ईयर से आकर के वाटर में जा रही, ऑयल में जा रही, या कहीं अदर भी जा रही, तो वहां की स्पीड यहाँ लिखी जाती है, यहाँ पे जा रही लाइट फाइनली। तो मैंने इसको मान लो 20 से डिनोट कर लिया, तो ये याद रखना ओनली क्वांटिटी देता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट इसका होता नहीं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपने सीखा, स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये टू टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होंगे, टू टाइप के होते हैं बेटा। ये देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू टाइप को आपको मिलने वाला है, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है आपको टू टाइप के मिलेंगे, कितने टाइप के मिलेंगे, टू टाइप के। आइए देखते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव, क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट यही लिख सकते हो आप C/V, एब्सोल्यूट में यही लिख लो C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिलेटिव में देखो, रिलेटिव में क्या लिखा जाता है, जैसे सपोज के लिए लाइट 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 1 2, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ऐसे लिखोगे 2 ऊपर कर लो डिवाइडेड बाय 1 नीचे कर लो, तो इन्हें बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या बोलोगे, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी जैसे लाइट मान लो देखो बेटा 1 मीडियम ये 2 में जा रही है, यहाँ का 1 है यहाँ का 2 है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो जहां पे पहुंचे फाइनली वहां का ऊपर लिख लो और जहां से चली है वहां का नीचे लिख लो, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हैं, इसको याद रखना गाइस। अब आइए मैं क्लियर करूँ आपको, इसको अच्छे से नोट कर लो, ये बार बार यूज होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर करेंगे, पहले इनको आइए मैं समझा दूँ अच्छे से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए इसको अच्छे से याद रखना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो मान लो ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, क्या डेंसर मीडियम, ओके। तो मैंने मान लिया ये मीडियम फर्स्ट है एंड इसे कंसीडर कर लिया मीडियम सेकेंड है, यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 है एंड यहाँ का क्या म्यू 2 है, और ये कैसा मीडियम है बेटा,
रेयर मीडियम, और ये इसको हमने मान लिया डेंसर, डेंसर मीडियम, कैसा मीडियम, डेंस मीडियम। अब यहाँ पे देखिए दो चीज खेल चेंज हो जाती है, अगर कोई लाइट देखो रेयर टू डेंसर में जा रही है, ये देखो ये रेयर मतलब ये इंसिडेंट रे, आप यहाँ क्या लगा करोगे नॉर्मल। अब देखो रे को तो जाना चाहिए ऐसे, देखिए मैं थोड़ा क्लियर बनाऊं यहाँ पे, ये देखो रे ऐसे आ रही है, जाना चाहिए तो रे को ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं ऐसे नहीं जाती है, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टू वर्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, ऐसे जाएगी ऐसे, यहीं पे सिर्फ बेंड होगा, यहाँ बेंड होने के बाद फिर ऐसे सीधी चली जाएगी, नहीं बार बार ऐसे नहीं कि बार बार ऐसे बेंड होगी, नहीं अगर यहाँ पे एक बार बेंड कर दी तो ऐसे बेंड करके मुंह सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए फिर वही कहानी पुरानी वाली, क्या लिखोगे इसमें इंसिडेंट रे, एंड ये क्या लिखोगे नॉर्मल लिखोगे, एंड ये क्या लिखोगे रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे, और इन्हें इंसिडेंट एंगल बोलोगे, इन्हें रिफ्रेक्टेड एंगल आर बोलोगे, यहाँ आई लिखा यहाँ आर लिखा। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, अब एक बात देखो बताओ आई ग्रेटर है आर ग्रेटर है, आई ग्रेटर यानी जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज ग्रेटर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल से, ये भी याद रखना इस पॉइंट में, इसमें यानी आई ग्रेटर होगा किसके आर के, ये पॉइंट हमने लिखा। क्यों अपने पाथ को, अपने पाथ को क्यों बेंड करती है, छोटा सा रीजन है, मान लो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो सन से निकली है लाइट, तो अगर किसी मीडियम से पास होकर दो लाइट मान लो आ रही है, एक डेंस से जा रही है एक रे, तो क्या होता है अगर किसी को किसी अलग मीडियम उसको जाना, तो एक साथ निकली है तो एक साथ मिलेगी, तो एक लाइट मान लो रेयर मीडियम से पास होकर के जा रही है, एक डेंसर से जा रही है, और टाइम दोनों को सेम लेना, एक ही टाइम पे दोनों को मिलना है, एक साथ निकली है तो एक साथ मिलना लाइट को। तो मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं आपको, मान लो ये रेयर मीडियम है ऐसे लाइट ली जा रही है और इसको डेंसर जा रही है, ये अलग सरफेस है, ठीक है, तो देखो दोनों को टाइम तो सेम लेना है, तो देखो इसके लिए डिस्टेंस तो ज्यादा करना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा, और इसको टाइम कम मिला है और साथ यहाँ पे निकल जा रहा है, साथ ही निकल के जाना है इसको ऐसे, ठीक है, तो इसको टाइम इसको इसको उतना मिला टाइम, तो क्या करेगा ये अपने पाथ को ही शॉर्ट कर लेगा, ठीक, ताकि इसको यहाँ पे तुरंत इसके साथ ही निकल के चली जाए इसके साथ में, तो ये इसलिए अपने पाथ को शॉर्ट कर लेता है, ठीक है। यानी ये भी याद रखना जब प्रकाश की किरण रेयर टू डेंसर जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अपवर्तित किरण जो है अवलंब की ओर झुक जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, याद रखना बेटा। यहाँ पे देखो मैं सेकेंड बार आ दे रहा हूं, कहां से जा रही है मान लो डेंसर से रेयर जा रही है, ये डेंसर है, ये डेंसर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेंसर, ठीक है, यहाँ पे क्या ड्रा करोगे नॉर्मल, तो एक एंगल हो गया आई, जाना चाहिए इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए ऐसे, अब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी बेटा, नॉर्मल से क्या होगा दूर हट जाएगी, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। तो इसमें आप बताओ आई ग्रेटर है आर ग्रेटर, यहाँ पे आर ग्रेटर लिखोगे, क्या लिखोगे आर ग्रेटर आई, यही अगर ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव में आ गया आर ग्रेटर देन आई, पूछ सकता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, बता सकते हो कि डेंसर से रेयर जा रही होगी, डेंसर से रेयर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल से बेटा, याद रखना ये सब छोटी छोटी चीजें कि अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, और क्या होगा अगर रेयर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद में आपको सिखाऊं स्नेल्स लॉ, क्या सिखाएंगे स्नेल्स लॉ, नोट कर लो इसको अच्छे से, देखिए स्नेल्स लॉ, आइए स्नेल्स लॉ क्या होता है, मान लो ये वही मीडियम है, ये देखो ठीक है ये मीडियम है, लाइट यू आ रही है इसे इंसिडेंट रे, ये क्या आपका नॉर्मल, फिर देखो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये टूवर्ड्स नॉर्मल यू बेंड कर जाएगी, ये आई एंगल है और ये आर है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या म्यू टू है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। स्नेल्स लॉ क्या होता है आइए देखिए, स्नेल्स लॉ ये लिखा जाता है कि म्यू वन
साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लो या म्यू टू साइन आर लिख लो। क्या बोला गया इसमें कि जो म्यू वन यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और साइन जेड का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा रिफ्लेक्टिव, क्या बोला गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड साइन जेड का प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। यानी इससे सिंपल से पता चले कि अगर जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां का एंगल कम होगा, जहां का एंगल ज्यादा होगा वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। सिंपल सी बात है इनके अकॉर्डिंग। और इनका प्रोडक्ट में सिंपल सा ये भी लिख सकता कि म्यू साइन जो है साइन आई लिख लो तो ये प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। याद है याद रहना बेटा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आइए मैं इसको और स्ट्रेट करूँ फॉर्मूले को अच्छा से सिखाऊ आपको। देखो बेटा यहाँ से लिख सकते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन, देखो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन। आप इनको म्यू टू अपॉन म्यू वन को ओनली म्यू भी लिखा लिख जा सकता है। देखो म्यू कर लो म्यू टू अपॉन म्यू वन ये भी लिख लो, कोई बुराई वाली बात नहीं। यानी रिलेटिव भी लिखना पड़ेगा आपको, ऑलवेज रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। आइए अभी मैंने आपको ये सिखाया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ईयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मान लिया मीडियम ये वन है तो यहाँ पे मान लेता हूँ लाइट की जो स्पीड है वी वन है। देखो म्यू वन यहाँ वी वन कर लिया, ऐसे मान लो दूसरे में जा रही तो म्यू टू सी अपॉन वी टू कर लिया। आइए यहाँ पे जब प्लेस करोगे यहाँ पे तो देखो ऊपर म्यू टू है राइट, तो क्या लिखोगे सी अपॉन वी टू डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी वन करो तो कितना मिलेगा वी वन अपॉन वी टू मिलेगा, नहीं म्यू टू वी वन अपॉन वी टू। यानी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे आपको ये पता चला कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है, यानी जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहाँ स्पीड कम हो जाएगी, जहाँ का स्पीड ज्यादा होगा वहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, इनसे ये पता चला अपन को। तो वहाँ पे एक फार्मूला ये पता चला और हमें ये भी पता होता कि बी इक्वल टू एन लैम्डा। वेव के चैप्टर में आप ये चीज देखते हो जब वेव पढ़ा जाता है इस जो वेव की स्पीड है ये हो गया एन क्या होती थी फ्रीक्वेंसी एन लैम्डा क्या होता था वेवलेंथ। अब एक बात यहाँ पे सुना जब लाइट वन मीडियम टू एन अदर मीडियम में जा रही है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है प्रकाश कम फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम दिस फिनोमेना नोन एज लॉ ऑफ मतलब रिफ्लेक्शन बोलेंगे ठीक है। तो देखो एन फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा वेवलेंथ होता है, जब लाइट वन से सेकंड में जाती है तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी वही को मिलेगी। तो अगर मान लो यहाँ मैंने बी वन किया लैम्डा वन कर सकता हूँ, ऐसे बी टू एंड लैम्डा टू कर सकता हूँ, प्लेस जब कर लोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा वन डिवाइडेड बाई लैम्डा टू। ये भी फार्मूला याद रखना बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या बोल देगा अगर बोल देगा इस मीडियम का वेलोसिटी वी वन है और उसका जो वेवलेंथ लैम्डा वन है इसकी वेवलेंथ इतना तो इसमें स्पीड कितना होगी लाइट की, तो इनको फार्मूला लेकर के यूज कर सकते हैं। ये बोल दिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ का ये है और एक में वेवलेंथ है तो ये बताओ, तो ये पूरा रिलेशन आप अच्छे से याद कर लो या आपको मैंने बताया उसी के हेल्प से आप इनको प्रूफ कर लो। अब देखिए एक आता है रिवर्स वेलोसिटी, इसको अच्छे से आप नोट कर लो ठीक है। तो आई होप ये रिफ्लेक्शन तो क्लियर हो गया होगा, स्नेल्स लॉ भी क्लियर है यानी म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब इसके बाद देखिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या लिखोगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता, यानी जिस मार्ग से गई लाइट अगर उसी मार्ग से भी चली जाए। जैसे देखो मान लो ये सरफेस है ठीक है कोई मीडियम है, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है लाइट, ये देखो फटाफट देख लो कुछ है नहीं बेटा बहुत आसान तरीके से, ये देखो लाइट ये डेंसर है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड की, फिर देखो यहाँ नॉर्मल आपने ड्रा किया जाना चाहिए ऐसे, फिर यहाँ पे मिरर रखा है ये तो देखो गई, फिर क्या करेगी रिट्रेस कर जाएगी अपने मार्ग को, क्या करेगी मार्ग पे रिट्रेस हो जाएगी। तो देखो सिंपल सा ये लिखा था आपने अगर म्यू
1 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 2/1। ये तो मैंने बोला था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी जहां पे जा रही है वहां का मतलब अपॉन जहां से चली थी वहां का। ये अब देखो लाइन फिर 2 से कहां जा रही 1 में, यानी म्यू 2 फिर 1 जा रही। अब देखो 2 1 यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, देखो लाइन लड़के 2 से फिर 1 में जा रही। अब की बार ऊपर आएगा 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई करो देखो कितना आएगा म्यू 1 2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू करके देखो 2/μ1 इंटू μ1/μ2 कैंसिल होकर 2 1 आएगा म्यू 2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू। ये देखो कभी भी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई फिर रिफ्लेक्ट होकर के उस मीडियम से फिर वापस चले तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा, चाहे कितनी भी पार से जाए, चाहे मान लो 10 20 50 मीडियम से पार होकर के जा रहे प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मैं आपको इन जनरल में बात करूं, देखो इन जनरल में बात करूं, मान लो ए से बी में जा रही, ऐसे मान लो ए से बी में जा रही, देन बी से सी में जा रही, डॉट 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 करके कहां से जा रही बोलो, फिर बोले जेड से फिर ए में आ जा रही एक्स वाई जेड, जेड से अगेन ए में चली जा रही। देखो ए टू बी गई, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ऐसे डॉट डॉट करके जेड जेड में गई, फिर जेड से अगेन फिर ए में चली जा रही। आइए मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ जाएगा। देखो पहले ये जो इधर होता है वो ऊपर लिखोगे तो म्यू बी अपॉन म्यू ए इंटू यहाँ पे म्यू सी अपॉन म्यू बी, ऐसे डॉट डॉट क्या लिखोगे म्यू ए अपॉन म्यू जेड। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लो बेटा म्यू बी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे म्यू सी एंड म्यू सी कैंसिल हो जाएगा, फिर म्यू जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर ये म्यू ए कैंसिल हो जाएगा, यानी इनका प्रोडक्ट कितना मिला आपको 1 ही तो मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। ये रिजल्ट याद रखना, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काफी ज्यादा फेमस है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको म्यू 1 2 इक्वल टू 1/2 1, ये भी लिखा जा सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो ईयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है बेटा ये 1 होता है, एंड जो ग्लास का होता है वो 3/2 लिखते हैं लोग, और जो म्यू वाटर होता है ये 4/3। ये रिजल्ट आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में देता रहे आपको डायरेक्ट पुट करना पड़ता है। ईयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको एक ऐसा छोटा सा सीखा, देन उसके बाद इन जनरल कंसीडर कर लिया। अगर लाइट 1 से 2 में गई, 2 से 3 4 5 1000 में गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी मीडियम में चली, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आप मल्टीप्लाई कर लो हमेशा प्रोडक्ट कितना मिली 1 मिली गाइस। आइए आगे की कहानी देखो, नोट करते रहना इसको, काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो लाइट मान लो एक मीडियम ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे देखो ध्यान दीजिएगा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लिया, म्यू 2 ले लिया, म्यू 3, म्यू 4, म्यू 5, देन म्यू ईयर, ऐसे बहुत सारे मीडियम से लाइट पास होकर के फिर ईयर में आ जा रही है, ठीक है। तो देखो ये मान लो लाइट है ये, ऐसे आपने यहां ड्रा किया नॉर्मल, फिर देखो ये जाना चाहिए तो ऐसे, बट ऐसे नहीं, हल्का सा बेंड करेंगे, ये देखो बेंड की, फिर नॉर्मल ड्रा किया आपने, फिर जाना चाहिए इसको ऐसे, फिर टूवर्ड्स नॉर्मल इधर बेंड करेगी, देखते जाना आप, फिर जाना चाहिए इसको ऐसे, फिर बेंड करेगी, फिर जाना चाहिए इसको ऐसे, फिर हल्का बेंड करेगी, ये आगे, फिर देखो डेंसर से फिर नियर जा रही, फिर जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं ये ऐसे, यानी इसी के पैरल यू चली जाएगी, देखो इसी के पैरल ऐसे चली। और गाइस यहां पे देखिएगा, अगर मैं इसको आई ले लिया, इसे आर वन बोला तो ये भी हो जाएगा आर वन, ये आर वन हुआ, कितना हो गया आर वन। अब ये बताओ ये आर टू, तो ये भी कितना हो गया आर टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको आर थ्री ले लिया तो ये भी हो जाएगा आर थ्री, अगर इसको मैं ले लिया आर फोर तो ये हो जाएगा आर फोर, एंड लास्ट में जो फाइनली निकला उसे हम इमरजेंट एंगल बोलते, जो निकल जाती है फाइनली उसे इमरजेंट एंगल बोलेंगे। तो चलो यहाँ पे इस मेड सलाह लगाओ, तो म्यू वन साइन
I इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, ये पहली सरफेस के लिए लगा दो। देखो जब लाइट यहाँ से यहाँ आई तो इसलिए लाइन लिखो बेटा म्यू वन साइन आई म्यू टू साइन आर वन। अब देखो लाइट कहाँ से आ रही है, दो से थ्री में जा रही है, कहाँ से जा रही है, टू से थ्री में। देखो म्यू टू साइन आर वन ये तो है, देखो भैया एंगल कितना आर वन फिर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ लिख लेना म्यू थ्री साइन आर टू, आपने ये इक्वेशन सेकेंड ले लिया। फिर म्यू थ्री देखो थ्री से फोर में जाएगी तो म्यू थ्री साइन आर टू इक्वल टू म्यू फोर साइन आर थ्री, थर्ड इक्वेशन। फिर देखो फोर से फाइव में जाएगी आर थ्री इक्वल टू म्यू फाइव, क्या लिखोगे म्यू फाइव साइन आर फोर, ये फोर्थ इक्वेशन। फिर देखो ये फाइव हाँ म्यू फाइव से, फिर फाइव से वन में जा रही तो साइन आर फोर इक्वल टू म्यू वन साइन इमरजेंट, क्या लिख लिया इमरजेंट। और बहुत सारे मीडियम हो सकता है तो दे सकता है, क्या फर्क पड़ता, मैंने इतना मीडियम लेकर के आपको सिखा दिया। देखो अगर हम सभी को ऐड कर लें, क्या कर लें सभी को ऐड कर लें, तो देखो एक साइड में ये आ रहा है एक साइड में ये आ रहा है, तो देखो देखो एक साइड म्यू टू साइन आर वन है और उधर क्या म्यू टू साइन आर वन, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर है ये इधर कैंसिल आउट, ये इधर कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और इधर को बेटा इधर म्यू वन है इधर भी म्यू वन, तो बचा अपना कि ना साइन आई इक्वल टू साइन आर, तो आई इक्वल टू मतलब ई आपने लिया था इमरजेंट एंगल ई, अरे भैया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला, आप कितने भी मीडियम से पास करा लो लाइट को, एक हो दस हो बीस मीडियम से पास करा लो, जितना एंगल यहाँ बनाएगा फाइनली वो उतना एंगल यहाँ बनेगा, ये याद रखना। देखो रिजल्ट से मिल ही रहा हम लोग, कितना भी मीडियम से पास हो तो ऑलवेज इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमरजेंट एंगल ऑलवेज मिलेगा, आई और आई मतलब ये वाला ई ऑलवेज इक्वल होगा, यानी आई इक्वल टू ई गाइस। आइए आगे देखिएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है बेटा अच्छे से इसको नोट करो, फिर आगे की कहानी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ वो मैं क्लियर कर दूंगा आपको। देखिएगा जैसे सपोज करिए मैं यहाँ से पूछूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, छोटी छोटी चीजें हैं, इधर का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, कल हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कभी मालूम पूछ लिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बट हमें पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई बी, तो मान लो ऐसा कि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन बी जी, यानी ग्लास की वेलोसिटी हो गई भैया, और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी हमने सीखा थ्री बाई टू, तो और सी की वैल्यू कितनी होती है थ्री बाई थ्री इंटू टेन इज एट अपॉन बी जी, यानी ग्लास की वेलोसिटी टू टू को थ्री थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी जी ग्लास में जो लाइट की स्पीड होता है ये रिजल्ट आप याद रखना 8 मीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ मीटर मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये बताइएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप इसका सलूशन मेरे को सेंड करोगे कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये होती है। तो देखिए गाइस इधर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी छोटी बहुत हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं, प्रूविंग भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एंड रिलेशन बताऊंगा रेडियस एंड फोकल लेंथ में, ये रिलेशन बताऊंगा। तो लाइक अगला वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने का चांस मिलेगा मौका मिलेगा। तो चलिए गाइस आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कहीं पे भी डाउट हो जा रहा था अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलिएगा, उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टेक।